हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है देखिए, जिन लोगों ने अभी फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा। बीपीएससी कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। बीपीएससी कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिएगा, विवेक कुमार मेरा नाम है। फॉलो कर लीजिएगा जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। करंट अफेयर की 3 वीडियो आती है ना, करंट अफेयर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट की वीडियो आपको रोज़ सुबह 10 बजे शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर आता है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो आती है, 1000 करेंट अफेयर सीरीज़ आपकी यहीं पर रन हो रही है 4 बजे, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी यानी बहुत कम समय में बचा है इस आपका 1000 का करंट अफेयर के, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपकी 4 बजे आती है, यूट्यूब पर ही आती है। बाकी करंट अफेयर की क्लास अगर आपको थ्योरेटिकल मेरे साथ कवर करनी हो तो आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। फ्री क्लासेस पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रोज़ सुबह 11 बजे, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ये सारे टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं, बैचेस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आज का ये लास्ट ऑफर है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर आज तक ही वैलिड है। तो जो प्लस में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12 महीने का एडमिशन लेने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ा दिया जाएगा। यानी जो 12 महीने का फी है, 12 महीने का जो फी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 12 महीने का फी आप यहाँ पे देख सकते हैं 8800 है। 12 मंथ का यहाँ पे जो फी है वो आपका 8800 रुपये है ना। जब आप यहाँ पर कोड यूज करते हैं विवेक लाइव 10, विवेक लाइव 10, जैसे ही आप कोड का उपयोग करेंगे, यहाँ पर रेफरल कोड का ऑप्शन मांगता है, तो यहाँ पे कोड लगाने पर ये 12 मंथ का जो फी है वो आपका घट करके 7920 हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड जैसे ही आप लगाएंगे, ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई बटन पे क्लिक। यहाँ कोड अप्लाइड होने के बाद 7920 हो जाएगा। क्वाइंस को रिडीम कर लीजिएगा, क्वाइंस को रिडीम करने के बाद ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट और भी कम हो जाएगा और आपका एडमिशन 12+2 यानी 14 मंथ का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 14 मंथ का एडमिशन होगा। और ये जो ऑफर है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो जो प्लस के लिए एडमिशन लेने वाले हैं, आज जुड़ जाइए, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ा दिया जाएगा अगर आप 12 महीने का एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। तो ये ऑफर है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बाकी ये लास्ट पार्ट है जून का, हम लोग कवर करने जा रहे हैं, आंसर कवर करते हुए चलेगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज, 843 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843। ग्राहकों को हर महीने अपने एटीएम से कितने मुफ्त लेन देन की अनुमति है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 843 आंसर करें क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, ऊपर 3 डॉट है, उस 3 डॉट पे क्लिक करके क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, 720p पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 843, ग्राहकों को हर महीने अपने एटीएम से कितने मुफ्त ले रहे हैं। एटीएम तो यूज करते होंगे सभी लोग आप लोग, तो कितना ट्रांजैक्शन तक मुफ्त ट्रांजैक्शन आपका अलाउड है, उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको चार्जेस आपके डिडक्ट होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 843, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 बार ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5 बार के बाद जब छठे बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, तो 17 रुपये का यहाँ पे आपको फी डिडक्ट होगा, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, 17 रुपये का यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जो सही आंसर आया है संदीप कुमार, संदीप कुमार, फिर आंसर आया है विक्की वीर, उसके बाद आंसर आया है संगीता वर्मा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो 5 बार तक आप फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 844, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको इसमें से शामिल किया गया वो आपको बताना है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर लिखें और फिर आंसर करें, किसको शामिल किया गया। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए सभी लोग,
मजा आएगा, कल की तरह हम लोग कवर करेंगे 40+ क्वेश्चंस। तो राइट आंसर है आपका विनोद मैनकर्ड, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है अमित कुमार, ज्योति चौधरी, प्रियंका सिन्हा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तीन के द्वारा सबसे पहले सही आंसर आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसराइल के नए प्रधानमंत्री, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर तो 100% आना चाहिए, इसका आंसर तो 100% आना चाहिए। आज के डेट में द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल आज के डेट में कौन है वो आपको बताना है। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? सेशन को लाइक करते हुए चले सभी लोग, और शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, है ना, जाए ताकि ज्यादा ज्यादा ज्वाइन कर सकें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नफ्ताली बैनेट। नफ्ताली बैनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। 13 जून 2021 को ये जीते थे, ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी पार्टी जीती थी, याद रखिएगा, 13 जून 2021 को ये सत्ता में आए थे, नफ्ताली बैनेट। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 845, द राइट आंसर इज सबसे पहले सही आंसर आया अमित कुमार, आकांक्षा राज, विक्की वीर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 846, जियोना चाना, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का 13 जून 2021 को निधन हो गया। किस राज्य के निवासी थे? किस राज्य के निवासी थे? हाँ, किस राज्य के निवासी थे? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 846, सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो आंसर आया है जिया साहू, जिया साहू। उसके बाद आंसर आया है ज्योति चौधरी, फिर आंसर आया पुष्पलता राय। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनकी कितनी पत्नियां थी? 39 वाइफ्स थी, 39 वाइफ्स थी, है ना, और 94 चिल्ड्रंस थे। बच्चे इनके कितने थे? 94 बच्चे थे, और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, पोता पोती, है ना। दुनिया के सबसे बड़ा फैमिली थी ये, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका निधन 76 वर्ष की उम्र में हुआ था, 76 वर्ष की उम्र में हुआ था, 13 जून 2021, ठीक है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। नेक्स्ट, 2000 के बाद से फ्रेंच ओपन में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी थी वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 847, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें। 847, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, और लाइक अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, इतने लोग ज्वाइंड है, जल्दी से लाइक कीजिए और सभी लोग आंसर देते हुए चले, है ना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बर्बोरा क्रेस्टिकोवा, क्रेस्टिकोवा, बर्बोरा, कुछ नाम्स ऐसे होते हैं ना, चलिए ठीक है, बर्बोरा क्रेस्टिकोवा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 847, सबसे पहले जो सही आंसर आया है आकांक्षा राज, ज्योति चौधरी, जिया साहू। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 848, सभी चार प्रमुख ग्रैंड स्लैम दो बार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल फोर मेजर ग्रैंड स्लैम ट्वाइस? क्वेश्चन नंबर 848, जल्दी से आंसर करें।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोवक जोकोविक। नोवक जोकोविक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 848। सबसे पहले जो सही आंसर आया है मोनी रॉय, मोनी रॉय, ज्योति चौधरी और संदीप कुमार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले इनका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 850 की तरफ बढ़ते हुए, 850 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हुए, धान, तिल, अरहर और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाल ही में बढ़ाया गया था, ये कौन सी फसलें हैं वो आपको बतानी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये कौन सी फसलें, पैडे, सेसम, टर, उड़द, कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं। द राइट आंसर इज कुछ लोग ऐसे हैं कि चारों ऑप्शन बैक टू बैक दे दे रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं चलेगा है ना, एक ही ऑप्शन करें है ना, ऊपर में ए फिर बी फिर सी फिर डी है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सही है। द राइट आंसर इज खरीफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खरीफ इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो सही आंसर आया है 849, 849 द राइट आंसर इज, सबसे पहले जो सही आंसर आया है विक्की वीर, विक्की वीर, जिया साहू, साक्षी कुमारी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, इनके द्वारा सबसे पहले सही आंसर आया। हाल ही में 850 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट इको डंपिंग किस राज्य में स्थित है, माउंट इको डंपिंग जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है जून मंथ में, किस राज्य में ये आपका स्थित है। 850 नंबर, 850 नंबर, देखिए सेशन गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीखे, अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस कोई बात नहीं, सीखे है ना। साढ़े 800 नंबर, माउंट ईगो डंपिंग, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका स्थित है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। और ये 850 का ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले जो सही आंसर आया है। ज्योति चौधरी, बहुत अच्छे, आकांक्षा राज, प्रियंका सिन्हा, इन तीनों के द्वारा सबसे पहले सही आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 851, हु इज द विनर ऑफ द पेन पिंटर प्राइज 2021, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है वो आपको बताना है, विजेता कौन है। 851, आठ सौ इक्यावन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिस्सी डंगरिम्बका, डांगरिम्बका, ये पेन पिट्सर पुरस्कार के बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जिम्बाब्वे कंट्री से, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, जिम्बाब्वे कंट्री से, ये बात ध्यान रखते चलेगा, जिम्बाब्वे कंट्री से। 851 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है, सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो आंसर आया है नीलम, नीलम, आशीष रॉय, आकांक्षा राज। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। ठीक है,
852, 852 कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन 2021, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच नेशन इज होस्टिंग द G7 समिट 2021, किस कंट्री के द्वारा आपका मेजबानी किया जा रहा है G7 शिखर सम्मेलन 2021 का। G7 की बात यहाँ पे कही जा रही है, G7 समिट 2021। ये G7 समिट 11 से 13 जून को हुआ था, ठीक है, 11 से 13 जून कहाँ पे हुआ था, कार्बिस बे, कार्बिस बे कहाँ पे, ये कॉर्नवेल, कॉर्नवेल कहाँ पे है ये लोकेशन, यूके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 852, 852 का जो सबसे पहले सही आंसर आया है, नीलम, बहुत अच्छे। उसके बाद जो सही आंसर आया है पुष्पलता राय, अमित कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी इज नेम्ड टू द होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक गेम्स, 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का नाम रखा गया है, मतलब कौन सा शहर में 2032 ओलंपिक गेम्स होस्ट किया जाएगा, किस शहर के द्वारा, वो आपको बताना है। गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, सीखे है ना, सीखे। सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सेशन को, ये लास्ट पार्ट है जून का, कल आपका जुलाई स्टार्ट करूंगा और जुलाई आपका लास्ट मंथ होगा, आपका पूरा 1000 करेंट अफेयर का सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस करेंट अफेयर के सीरीज को आप कवर कीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए सफिशेंट है ये 1000 क्वेश्चन, नोट्स बना लीजिए आप लोग सभी लोग। द राइट आंसर इज ब्रिस्बेन, कहाँ पर है ये ब्रिस्बेन, किस कंट्री में ब्रिस्बेन पड़ता है, द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 853। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 853, सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो आंसर आया आकांक्षा राज, आकांक्षा राज, आशीष रॉय, अमित कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में पड़ता है, वहीं आपका 2032 का ओलंपिक गेम्स का होस्ट करेगा, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। 854, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, आंसर देने के बाद मुझे थीम बताइएगा, ये थीम क्या है इस दिन का। 854, आठ सौ चौवन बाल श्रम के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 12 जून, सॉरी सॉरी 12 जून, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 जून इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखते चलेगा। थीम बता दीजिए, थीम विषय, तब तक मैं बताता हूँ सबसे पहले आंसर किसका आया है 854 का। सबसे पहले जो आंसर आया है 854, सबसे पहले आंसर आया आकांक्षा राज, पुष्पलता राय, पुष्पलता राय, विक्की वीर, इनके द्वारा सबसे पहले सही आंसर आया है। और थीम क्या है बता दीजिए, थीम, थीम है कह रहे हैं इंड चाइल्ड लेबर, इंड चाइल्ड लेबर लिख लीजिए, इंड चाइल्ड लेबर इस वर्ष का आपका विषय है, थीम है, बच्चों से काम करवाना बंद करो है ना। चलिए कैंडी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 855, 2021 EIU ग्लोबल लिवलेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया, रटवा दिया इस तरह के क्वेश्चंस का आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, इतनी बार इस तरह के क्वेश्चंस को आपको रटवाया है ना, इस तरह के क्वेश्चंस गलत होने भी नहीं चाहिए। दुनिया का ऐसा वह कौन सा शहर है जो रहने लायक बेस्ट है, मोस्ट लाइवेबल सिटी, 2021 का EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग की बात यहां पे कर रही है, 855।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑकलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑकलैंड। कहाँ पे है ये शहर किस कंट्री में पड़ता है बता सकते हैं? ये शहर किस कंट्री में पड़ता है? सबसे पहला जो सही आंसर आया है अमित कुमार, आकांक्षा राज, कैंडी। बहुत अच्छे, ये तीन लोगों के द्वारा सबसे पहले सही आंसर आया है। ऑकलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका ऑकलैंड जो शहर है वो आपका कहाँ पे पड़ता है जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, रागनी ठाकुर, रागनी ठाकुर। बहुत अच्छे, न्यूजीलैंड में पड़ता है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड वगैरह नहीं है, है ना? आइसलैंड कह रहे हैं, नीदरलैंड कह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखते हो चलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 856, 856, विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर। कौन सा देश बिटकॉइन लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश बन गया है, मतलब बिटकॉइन वहां पे लीगल कर दिया गया है, वो आपको बताना है। किस कंट्री के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा? 856, कौन सा देश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एल सल्वाडोर। ये बात ध्यान रखिएगा, एल सल्वाडोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 856, अमित कुमार, आकांक्षा राज, कैंडी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी वाला देश आपको यहीं देखने को मिलेगा, एल सल्वाडोर। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, 857, किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? विच नेशंस रेलवे इज वर्किंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क, वो आपको बताना है। 857, इसका राइट आंसर है अपना प्यारा भारत, है ना? अपना प्यारा भारत, इंडिया इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखते चलेगा। ये नेट जीरो कार्बन इमिशंस के लिए भी वर्क कर रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 857, अमित कुमार, कैंडी, जिया साहू। बहुत अच्छे, देखिए जो टॉप थ्री जिनका नाम आ रहा है, सही सही जिनका नाम आ रहा है, उन्हीं का नाम मेरे तरफ से लिया जा रहा है। कोशिश करें टॉप थ्री में आने का, ताकि आपका भी नाम यहाँ पे लिया जा सके। 858, किस नेशन के द्वारा फर्स्ट फुली स्टिल्थ नेवल वॉरशिप बनाया गया है? कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टिल्थ नौसैनिक युद्ध पोत बना रहा है, वो आपको बताना है। कौन बना रहा है जल्दी से बता दीजिए। कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टिल्थ नौसैनिक युद्ध पोत बना रहा है, वो आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 858, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रसिया इज द राइट आंसर। रूस इज द राइट आंसर, रूस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत से लोगों के द्वारा आंसर सही भी आया है। देखते हैं सबसे पहले किसके द्वारा आंसर सही आया है, रसिया इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए तब तक। भारत से अभी हमने एक मिसाइल सिस्टम लिया है जिसका रसिया अभी डिलीवरी करने जा रहा है, वो कौन सा मिसाइल सिस्टम है, उसका नाम बता दीजिए। 858 का बी सबसे पहले किसके द्वारा आंसर आया है? ज्योति चौधरी। बहुत अच्छे, फिर आंसर आया है कैंडी, बिल्कुल सही। फिर आंसर आया है विक्की वीर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। S-400, बहुत अच्छे, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल आपको मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। अमेरिका का मिसाइल सिस्टम कौन सा है? थार, याद रखिएगा, थार। उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारा ये अब हमारे पास आने जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। रसिया के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ये नेवल वॉरशिप जो है वो रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है। 859, किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, रिजर्व जॉब एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल्स, किसके द्वारा वो बता दीजिए।
859 किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां, स्थानीय लोगों जो लोकल जो लोकल्स हैं उनके लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख इज द राइट आंसर, लद्दाख इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर नहीं है ये लद्दाख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 859 सबसे पहले जो सही आंसर आया है। मोनी रॉय, मोनी रॉय, बहुत अच्छे। फिर आंसर आया ज्योति चौधरी, उसके बाद फिर आंसर आया है जूही कुमारी, जूही कुमारी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। राइट आंसर इज लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख इज द राइट आंसर। 860, 860, 860, 860। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव वयस्कों का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला? ये तो रटवा दिया आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने रटवा दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने रटवा दिए हैं, है ना। वो गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है वो आपको बताना है ना। और मुझे आंसर देने के बाद उस गांव का भी नाम बता दीजिएगा, उस गांव का नाम जरूर बता दीजिएगा, है ना, आंसर देने के बाद, ठीक है। वो गांव भी बता दीजिएगा कहाँ पर वो आपका है। इतने लोग जुड़े हैं अभी तक, सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, है ना। इतने लोग ऐड हैं लेकिन सेशन को लाइक अभी तक नहीं किया है, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। मुझे वो गांव का नाम बता सकते हैं, गांव का नाम, गांव का नाम बता सकते हैं, जल्दी से बताइए गांव का नाम क्या है। तब तक मैं आप बताता हूँ 860 का सबसे पहले जो सही आंसर आया है। सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो आया है आकांक्षा राज, आकांक्षा राज। फिर आंसर आया है कैंडी, फिर कैंसर आया कैंडी का, फिर आंसर आया अमित कुमार, बहुत अच्छे। क्या हो गया? देखिए जो देखिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कीजिए इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। इरेलीवेंट चीज़ों में ना रहें, बहुत सारे लोग इरेलीवेंट कमेंट्स कर रहे हैं, कृपया उसको कमेंट ना करें, है ना, फोकस करें। उस गांव का नाम था वेयान विलेज, लिख लीजिए वेयान विलेज, कहाँ पर है? वेयान, वेयान गांव, ठीक है, वेयान गांव। ये गांव कहाँ पे पड़ता है? ये गांव पड़ता है बांदेपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे पड़ता है ये? बांदेपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 100% टीकाकरण किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको अगर मैं आपको यूटी पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, अगर मैं आपसे स्टेट पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, अगर मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। कौन सा पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि 100% टीकाकरण कंप्लीट किया है, जल्दी से बता दीजिए, तीनों जल्दी से बताइए, और फिर राज्य बताइए, फिर डिस्ट्रिक्ट बताइए, है ना, और एक शहर भी बता दीजिए, कौन सा शहर ऐसा है जो 100% टीकाकरण किया है, जल्दी से बता दीजिए। भुवनेश्वर सिटी है, ठीक है, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर बिल्कुल सही आंसर है, भुवनेश्वर बिल्कुल सही आंसर है ना, बहुत अच्छे। यूटी बताइए, यूटी बिल्कुल सही, लद्दाख इज द राइट आंसर, यूटी में लद्दाख है, बिल्कुल सही आंसर, जो 100% टीकाकरण किया हुआ है वो, बहुत अच्छे। स्टेट बता दीजिए, अब स्टेट बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बचा है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बचा है, जल्दी से बता दीजिए। स्टेट, एनीवन, स्टेट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा? किसी के द्वारा भी अभी तक सही आंसर नहीं आया, किसी के द्वारा सही आंसर अभी तक नहीं आया, रटवाया था आपको, रटवाया था। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
डिस्ट्रिक्ट बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए। 100% टीकाकरण करने वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो बता दीजिए। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो 100% टीकाकरण किया है वो आपको बताना है। इंदौर, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, सेशन को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इतने लोग जुड़े हुए हैं, लाइक कर दीजिए। क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है क्या? निम्नलिखित में से किस परोपकारी फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? विच अमंग द फॉलोइंग फिलंथ्रोपिक फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद द नीति आयोग टू लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पिरामल फाउंडेशन। पिरामल फाउंडेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो सही आंसर आया है 861, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो सही आंसर आया है अमित कुमार, अमित कुमार, लेकिन गलत है। आप दो तीन ऑप्शंस दे रहे हैं तो ये वैलिड नहीं होगा आपके केस में। ठीक है, अब मैं देखूंगा आप लोग जो दो दो आंसर दे रहे हैं ना। ज्योति चौधरी सबसे पहले, बिल्कुल सही आंसर। रंजन रॉय बिल्कुल सही, जूही कुमारी बिल्कुल सही, ये तीन हैं, ज्योति चौधरी, रंजन रॉय, जूही कुमारी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, 862, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस प्लान्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी, कौन सा देश अपनी राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रहा है? एट सिक्सटी टू, किस कंट्री के कैपिटल में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने बनाया जा रहा है वो आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका कैपिटल क्या है जल्दी से बता दीजिए, डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है जहाँ पे ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। नीलम बिल्कुल सही, विक्की वीर बहुत अच्छे, रंजन रॉय बहुत अच्छे, इन तीनों के द्वारा सबसे पहले आंसर आया है, बहुत अच्छे। कैपिटल बताइए, कॉपेनहेगन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कॉपेनहेगन, बहुत अच्छे, रंजन रॉय, वेरी गुड। कॉपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है, वहीं पर इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। इसका कैपिटल क्या है? कॉपेनहेगन, कॉपेनहेगन, ये बात ध्यान रखिएगा। 863, विच स्टेट हैड लॉन्च जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन कैंपेन, वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया जाएगा? किस राज्य ने जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आंसर क्वेश्चन नंबर लिख करके दें, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर दें, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है आकांक्षा राज, फिर आंसर आया है नीलम, फिर आंसर आया है संदीप कुमार। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें तो ही वैलिड होगा। बिल्कुल सही, कौन कहा है सर जो नंबर से आंसर दे रहे हैं उसी का नाम लीजिए। बिल्कुल सही संदीप, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर किसके पास है? आकांक्षा, नीलम और
और संदीप कुमार, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच फंडिंग टू हेल्प बूस्ट इंडियाज एमएसएमई सेक्टर्स, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसको बूस्टअप करने के लिए वर्ल्ड बैंक के तरफ से भारत को कितनी सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि हम उसको बूस्टअप कर सकें उस तरह के इंडस्ट्रीज को। ठीक है, 864 द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 864 ऐसे आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन डॉलर, सबसे पहले जो सही आंसर आया है 864 आकांक्षा राज, फिर आंसर आया है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय, उसके बाद फिर आंसर आया है जूही कुमारी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 500 मिलियन डॉलर। 865 अब्दुल्ला साहिद 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा क्षेत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? अब्दुल्ला साहिद हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? 865 865 सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, इतने लोग कनेक्टेड हैं अभी तक सेशन को लाइव, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स, मालदीव्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 865, सबसे पहले जो सही आंसर आया है। जिया साहू, बहुत अच्छे, फिर आंसर आया है आकांक्षा राज, वेरी गुड, फिर आंसर आया है विक्की वीर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें। ठीक है, मालदीव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 866 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था वो आपको बताना है। 866 866 बफरिंग हो रहा है क्या, बफरिंग हो रहा है क्या? आप लोग, आपके तरफ से इश्यूज होगा, मेरे तरफ से फिलहाल अभी क्लियर है ना? आठ सौ छियासठ सूर्य ग्रहण कब लगा? 2021 का, 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? कब लगा था मतलब कब लगा था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 जून को लगा था ये, 10 जून को 1:42 PM पे लगा था, ये बात ध्यान रखते चलेगा। और ये ख़त्म हुआ था 6:41 PM पे, 6:41 PM पे ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो 10 जून इज द राइट आंसर, सबसे पहले जो सही आंसर आया है। ज्योति चौधरी, बहुत अच्छे, साक्षी कुमारी, जूही कुमारी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ठीक है, 10 जून, अरे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे था है ना, योगा डे को आप लोग सूर्य ग्रहण दिवस मना रहे। साइबेरिया परमाफोस्ट में 24,000 वर्षों तक जमे रहने के बाद कौन सा सूक्ष्म जीव वापस जीवित हो गया आपको बताना है। Which micro animal came back to the life after being frozen for 24,000 years in Siberian permafrost?
बताएं आंसर। 867, 867 साइबेरिया कंट्री में 24,000 साल से जमा हुआ था, उसका नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रॉटिफर्स। रॉटिफर्स, रॉटिफर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉटिफर्स। 867 सबसे पहले जो सही आंसर आया है, 867। पुष्पलता राय, पुष्पलता राय, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उसके बाद फिर आंसर आया है नीलम। उसके बाद फिर आंसर आया है ज्योति चौधरी, बहुत अच्छे। रोटी फर्स्ट इज द राइट आंसर। 868, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देने के बाद मुझे आपसे थीम चाहिए कि इसका विषय क्या था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसका थीम भी मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 868, और उसके बाद फिर अपना ऑप्शन बताएं, ठीक है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आपका सेलिब्रेट होता है 5 जून। कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 5 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये बात ध्यान रखते हो चलेगा। इसका थीम बताइए मुझे, थीम बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे थीम चाहिए आपसे, थीम क्या है, विषय क्या था इस वर्ष का, इस वर्ष का विषय क्या था? आप लोगों ने ये सुना है, 3R, 3R, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर का पावर 3, वही है इस वर्ष का विषय, इस वर्ष का विषय वही है। क्या है ये 3R? रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है? ये इस वर्ष का थीम है, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑक्सी वैन बनाने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑक्सी वैन? ऑक्सी वैन बनाने के लिए किस किस राज्य सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया है? ऑक्सी वैन। 869, सेशन को लाइक करते हुए चलें, सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चलें। देखिए क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, सीखें सीखें सभी लोग, है ना? और नोट करते हुए चलें, 1,000 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये सीरीज आपकी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2020 से, अभी हम लोग पहुँचे हैं जून 2021 तक, और ये चलेगा आपका जून 2021 तक, ये बात ध्यान, सॉरी जुलाई 2021 तक ये आपका चलेगा, है ना? ये आपका जुलाई 2021 तक चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, द राइट आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हरियाणा इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा। हरियाणा में कहां पे हुआ था जल्दी से बता दीजिए, हरियाणा में कहां पे हुआ था? 869 सबसे पहले जो सही आंसर आया है, आकांक्षा राज, संदीप कुमार, पुष्पलता राय, बहुत अच्छे, वेरी गुड। करनाल डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है, 80 एकड़ जमीन में करनाल डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जा रहा है ना, करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट। 870, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड असम 6th नेशनल पार्क? असम का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसको अभी घोषित किया गया है? 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामी जो किया गया है असम का, वो कौन सा है? आठ सौ सत्तर, विच वन इज द राइट आंसर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रायमोना। रायमोना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रायमोना। ये छठा है, ये बात ध्यान रखते चलेगा, है ना। सबसे पहले जो सही आंसर आया 870, आकांक्षा राज। फिर आंसर आया है नीलम। फिर आंसर आया है संदीप कुमार। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आठ सौ इकहत्तर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यंग टेब योजना शुरू की है? यून टेब योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? यून टेब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 871। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लद्दाख इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा। कितने बच्चों को ये दिया जाए? यहाँ पे बेसिकली यंग टैब जो है, यहाँ पे बेसिकली यंग टैब जो है, ये बच्चों को टैबलेट बहुत प्रोवाइड किया जाएगा, जो बच्चे क्लास 6 से 12 तक हैं, ताकि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस वो वहाँ से कवर कर सकें। और ये 12,300 बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाएगा, 12,300 बच्चों को टैब, है ना, टैब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 872, 872। माउंट मेरापी 3 जून 2021 को 4 बार फटा है, या निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, 3 डॉट ऊपर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए, 720p पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्लियर दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 872, 872, माउंट मेरापी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। 872, सबसे पहले जो आंसर आया है नीलम, बहुत अच्छे। फिर आंसर आया है जूही कुमारी, जूही कुमारी, बहुत अच्छे, है ना। फिर आंसर आया है, बस दो ही लोगों का आंसर सही आया, सिर्फ दो लोगों का आंसर सही आया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माउंट मेरापी, है ना। मेडाडमस, मेडेड मैप्स, मदद मैप्स, मदद मैप्स एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है, जिसे किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? मदद मैप्स इज अ रियल टाइम ऑनलाइन मैप दैट हैज बीन डेवलप फॉर विच ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको इसको डेवलप किया गया है? मदद मैप्स, मदद मैप्स। 873, 873, 900 के करीब पहुंच रहे हैं, और अगला आपका जुलाई का कवर करेंगे, और जुलाई में आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 1,000 MCQ, 1 साल में 1,000 MCQ मैंने आपको दिए हैं, इसको रिवाइज कीजिए, और प्लस मेरे साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, प्लस में इस कोड के माध्यम से। प्लस में आज अगर आप ज्वाइन करते हैं 1 साल के लिए, अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आज ही तक ये ऑफर है आपका, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं एडमिशन लेकर के। प्लस पे वहाँ पे मेरे तरफ से द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कवर कराया जाता है, द हिंदू न्यूज़ मेरे तरफ से कवर कराया जाता है, प्लस बिहार न्यूज़ में आपको कवर कराता हूँ, बिहार न्यूज़ भी आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं प्लस पर, ठीक है। मेंस के अकॉर्डिंग डिस्कस कराता हूँ, ताकि आप कोई भी चीज़ें डिस्कस ना हो, है ना।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मदद मैप्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए के लिए यूज किया गया, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ए के उद्देश्य से इसको डेवलप किया गया है। COVID-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों का नक्शा, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स आपके खाली हैं, इस मैप्स के माध्यम से आपका पता चल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक ऑनलाइन मैप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 873 सबसे पहले जो सही आंसर आया है। अच्छा, सभी लोग कह रहे थे सर ऑप्शन नंबर सी 100% लास्ट वाले क्वेश्चन में। DRC, सी नहीं होगा दोस्तों, डी आंसर है लास्ट वाले का, इंडोनेशिया। 873 का जो सबसे पहले सही आंसर आया है वो आंसर आया है ज्योति चौधरी, जिया साहू, संदीप कुमार। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। एट सेवेंटी फोर, इस तरह के क्वेश्चंस तो रटवा दिए हैं। रिजर्व बैंक ने जीडीपी को कट करके ग्रोथ रेट आपका 21-22 का कितना निर्धारित किया है? 874, इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोग को रटवा दिए हैं। है ना, इस तरह का क्वेश्चन तो रटवा दिए हैं आपको। मैंने बताया भी था कहीं पे भी जीडीपी के बारे में पूछे, कहीं पे भी रेपो रेट के बारे में पूछे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3.35%, 4%, 9.5%, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। 9.5% इज द राइट आंसर, 9.5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 874, इसका तो लगभग सभी का आंसर सही आ गया होगा, रटवा दिया मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग को। 874 का जो सबसे पहले सही आंसर आया, आकांक्षा राज, मोनी रॉय, जिया साहू। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबसे पहले इनके द्वारा आंसर आया है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। 875, विच इंडियन ओलंपिक बाउंड रेसलर हैज फेल्ड हिज डोप टेस्ट, यानी किस भारतीय ओलंपिक के लिए जाने वाला पहलवान अपने डोप टेस्ट में फेल हो गया, जो खेलने जाने वाला था ओलंपिक में लेकिन नहीं खेल पाए ओलंपिक में क्योंकि डोप टेस्ट में ये फेल हो गए थे, कौन है ये जो ओलंपिक में नहीं खेल पाए, ओलंपिक नहीं जा पाए खेल कर खेलने के लिए और डोप टेस्ट में ये फेल हो गए थे, बताइए कौन था ये? ये बेसिकली 49 दिन पहले, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 49 दिन पहले ही ये डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। बुल्गेरिया में डोप टेस्ट हुआ था जहाँ पे ये फेल हो गए थे। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित मलिक, सुमित मलिक इज द राइट आंसर, सुमित मलिक इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है 875, पुष्पलता राय, पुष्पलता राय, सोनाली शर्मा, सोनाली शर्मा, और उसके बाद आंसर आया है सोनाली कुमारी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले आंसर दिया था लेकिन क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, ठीक है, तो वैलिड आपका कगा देगा आप, ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं, कल से आपका जुलाई स्टार्ट करते हैं। अब जून आपका कंप्लीट हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा, जून आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा सभी लोग। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक करना ना भूले, है ना। सेशन को अभी तक इतने लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, क्या हो गया, सेशन नहीं अच्छा लग रहा क्या आप लोग को?
ये ऑफर सिर्फ आज तक वैलिड है, प्लस में जुड़ जाइए आप लोग, इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा विवेक लाइव 10, ठीक है। जो प्लस में एडमिशन लेने वाले हैं इस कोड का यूज़ कीजिए, करेंट अफेयर मेरे साथ कवर कीजिए और करेंट अफेयर सुनिश्चित करें, स्ट्रॉन्ग करें मेरे साथ मिल करके, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये 12 महीने का एडमिशन लेने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ा दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और फॉलो कर लीजिएगा मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एजुकेटर लिस्ट में सेलेक्ट सर्च कीजिएगा मेरा नाम, मेरा नाम आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।